नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब अर्ज है दोस्तों। असम पुलिस की तरफ से बम्पर भर्ती आई है, 6000 के करीब आप कह सकते हो, 5924 वैकेंसी आई है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन भी ज्यादा नहीं है। और एक बात जरूरी और बता दूं कि फीस भी इसमें कुछ नहीं मांगी हुई, तो बड़ी अच्छी बात है। और दूसरा, ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ये है वो पीडीएफ जिसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये पीडीएफ मुझे काफी लोगों ने व्हाट्सएप पे सेंड की, मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, आप सबका दिल से शुक्रिया। लेकिन आगे से अगर आप मुझे कोई भी नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं तो प्लीज अपना नाम और अपनी स्टेट लिखकर ही मुझे भेजिएगा ताकि मैं आप लोगों का नाम भी मेंशन कर सकूं। अब एक और जरूरी बात बता दूं कि जो इंडियन नेवी का मैंने फॉर्म बताया था वो स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता वो ये वीडियो देख सकते हैं, मैं आप लोगों को ये लिंक दे रहा हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जल्दी से वहां पे क्लिक करके यहां से वीडियो देख सकते हैं। यही वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। जिन्होंने एलिजिबिलिटी जाननी है वो ये वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल अब बात करते हैं असम पुलिस की। तो दोस्तों, ये तो पीडीएफ बहुत लंबी है, इसके अंदर आपको काफी ज्यादा जानकारी मिलने वाली है, लेकिन जो भी मेन इन्फॉर्मेशन है एक रिक्रूटमेंट को अप्लाई करने के लिए वो मैंने अपडेट कर दी है हमेशा की तरह हमारी ऑफिशियल वेबसाइट samajhaya.in के ऊपर। तो चलिए अब यहीं से हम जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो ले लेते हैं। इसमें आप लोगों को मिल रही है 5924 पोस्ट है जिसमें कांस्टेबल अनआर्म ब्रांच 1850, कांस्टेबल आर्म ब्रांच 3643 पोस्टें। दोस्तों, ये अनआर्म और आर्म ब्रांच क्या होती है? अनआर्म होती है जिसमें आपको वेपन्स नहीं मिलते, हथियार नहीं मिलते, और आर्म ब्रांच वो होती है जिसमें आपको हथियार मिल जाते हैं। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है, पुलिस की जॉब है, लोकेशन असम होगी, असम के रेजिडेंट वाले ही अप्लाई कर पाएंगे यानी कि जो असम के रहने वाले हैं। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस फिजिकल भी है, टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, रिटन भी होगा, मेडिकल भी होगा, और एक स्पेशल स्किल टेस्ट है वो आप पीडीएफ के अंदर रीड कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी क्वालिफिकेशन बता देता हूं, उसके बाद आपके एग्जाम फिजिकल स्टैंडर्ड की हम बात करेंगे। आर्म ब्रांच के लिए मिनिमम आपकी 10वीं पास होना जरूरी है, और अगर आप अनआर्म ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों की 12वीं पास जो है होना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, इसमें आपको कांस्टेबल की पोस्टें हैं और आपको ऑप्शन नहीं आएगा कि आप अनआर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आर्म के लिए, ये बाद में डिसाइड किया जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे मैं थोड़ी सी एज लिमिट बता दूं, 18 से 25 साल एज ऑन 1 जनवरी 2018 के बेसिस पे ये एज लिमिट देखी जाएगी। तो यानी कि आपका जन्म 1/1/2000 से लेके 1/1/1993 के बीच में होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं है। चलिए आप लोगों को बता दूं, ऑनलाइन अप्लाई का लिंक आप लोगों को जैसे ही पता ही है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट समझ आया क्या है। तो यहाँ पे आपको आना के लिए मैं आप लोगों को ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ samajhaya.in का, वहां से आप क्लिक करके यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ मैंने यहाँ पे ओपन की है, अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये है वो लिंक। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 2 मई 2018 से, खत्म हो जाएगी 2 जून 2018 को। तो जिसने भी अप्लाई करना है जरूर अप्लाई करें। अब अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज एक लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और फिर हम एग्जाम डिटेल भी जान लेते हैं। एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, टोटल मार्क्स आपके 50 होंगे। एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात करें, एनसीसी का बेनिफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन डिप्लोमा कंप्यूटर वगैरह का है तो वो भी बेनिफिट मिलेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेल के लिए यहाँ पे जनरल ओबीसी एमओबीसी एससी के लिए 162.56 सेंटीमीटर रखी गई है, एसटीएच एसटीपी के लिए 160.02 सेंटीमीटर रखी गई है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो सेम कैटेगरी जनरल ओबीसी एमओबीसी एससी के लिए 154.94 सेंटीमीटर रखी गई है। इसी के साथ अगर आप एसटी एसटीपी में हैं तो आपकी 152.40 सेंटीमीटर रखी गई है। याद रखिएगा, चेस्ट सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है जो कि 80 सेंटीमीटर है, और फैलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल ओबीसी एमओबीसी एससी एसटी के लिए। एसटी की कैटेगरी से अगर कोई बिलोंग करता है तो उसको 78 सेंटीमीटर चल जाएगी, फैलाने के बाद तकरीबन 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फैलाव तो होना ही जरूरी है। बाकी दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर आपको लोगों को लगता है कि हाँ, मैंने इस वीडियो में मेहनत की है, खुद थोड़ी स्टडी करके आया हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कोशिश कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का। बाकी दोस्तों, मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप हमारे न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम साजन एनालिसिस है, लिंक आपको उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?